बीएलओ को लगाया निराश्रितों को भोजन के पैकेट बांटने में। निर्माण नगर स्थित ब्राइट फ्यूचर भवन में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गिरी गोस्वामी ने लिया जायजा कि किस प्रकार से वे निर्वहन कर रहे हैं अपने दायित्वों का। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है निर्माण नगर स्थित ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अपनी लगातार सेवाएं दे रही हैं। यहां बीएलओ को फूड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगाया गया है। मेरे साथ इस समय हैं योगेश कुमार वर्मा जी, आइए हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी सेवाएं यहाँ पर लगातार दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और पब्लिक भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो आपको जो भाग संख्या है उसके हिसाब से ये काम दिया गया है अलग अलग? नहीं, भाग संख्या के हिसाब से नहीं, बीएलओ लगाए गए। वैसे कितने बीएलओ लगे हुए सर यहाँ पे? अभी हमारे पास चार लगे हुए। चार लगे हुए, कौन कौन नाम बताएंगे साथियों के? श्रीमती आकांक्षा शुक्ला, बिंदु शर्मा जी और ये नंदकिशोर जी और आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है? सर मुझे कुछ नहीं आ रही। मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है, मेरी भाग संख्या 148 है। मैं इनके साथ तो काम कर ही रहा हूँ, उसके अलावा मैं खुद हमारे घर पे ही कर रहे राधा गोविंद मंदिर रामनगर में। वहाँ पे हम डेली 1000 पैकेट बना रहे हैं, सुबह 500, शाम को 500। यहाँ समय क्या रहता बांटने का? यहाँ पर सर हम घर से निकलता हूँ मैं 10:30 बजे, 2 बजे तक हम बांटते थे सर। तो दोनों समय व्यवस्था बन रही? दोनों समय की व्यवस्था घर पे भी और यहाँ पे भी। किन किन इलाकों में जा रहे हैं खासतौर पर? सर हम जा रहे हैं जैसे अपने कटियावा नगर और अपने शिवपुरा और गंगाजमुना पीछे के सनी मोटर्स के पास पीछे कच्ची बस्ती, वहाँ पर निर्माण नगर इधर मेन रोड पर कच्ची बस्ती।